दिल्ली के बेटे अमन बैंसला तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनको न्याय दिलाने के लिए सर्व समाज के लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। घर वाले भी सरकार और समाज से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अमन ने ये बात पहले ही अपने इस वीडियो में खोल दी थी कि जो सुशांत सिंह राजपूत के केस में हुआ है वही उनके केस में भी होगा, और इस बात का जिक्र उन्होंने खुद एक वीडियो बनाकर किया था। आप भी सुनिए अमन का ये वीडियो। बस भाई एक यूं दुख है कि ऐसा नहीं था भाई कि ये स्टेप मैं उठाना चाहता हूँ या कुछ भी है। जीने की भाई बहुत इच्छा, बहुत कुछ करने की इच्छा माँ बाप के लिए, बहन के लिए, लेकिन भाई मैं मजबूर हूँ इसलिए भाई। और मैं भाई एक चीज और बोलना चाहता हूँ, मेरे को जो मेरा ये सीन है सौरव, या मैं, मेरे को पुलिस की कोई मदद नहीं चाहिए, ना मेरे को कोर्ट कचहरी की कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है, पूरे टाइम देखा है कि सुशांत सिंह राजपूत जी के साथ क्या हुआ। उन्हें आज तक भाई जस्टिस नहीं मिला, कहानी उनकी गोल 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 घूम रही है, ऐसी ये कहानी घुमा देंगे ये इनके भाई। इनने मेरे को धमकी दी थी यार, एक इन इसका कोई वो है, सपोर्टर है जो कोई एमएलए वेमएलए है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा अभी, तो इसने मेरे को उसकी भी धमकी दी थी। बीजेपी का एमएलए, बीजेपी या कांग्रेस का एमएलए है वो, मैं उसका नाम वीडियो के टाइटल में डाल दूंगा कि क्या नाम है उसका। तो भाई मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आप बस इतना कर देना कि भाई जो इसके गाने वाने आए उन्हें कैसे सपोर्ट करना भाई आप भी जानते हो, जो इसके भाई इस वीडियो कंपनी इसके जो गाने निकाल रही है उनके साथ क्या करना वो भाई आप जानते हो, बाकी इसके साथ जो भी करना वो भाई मेरे भाई बहुत बैठे हैं, सारे सोलह फतेहपुर गुड़गांव फरीदाबाद गाजियाबाद पूरा भरा पड़ा भाई, वो खुद कर देंगे जो करना होगा। हमें भाई पुलिस वुलिस की कोई मदद नहीं चाहिए, पुलिस इसमें कुछ ना करे, पुलिस बस ये बोल देगी कि जी यहाँ कोई प्रूफ नहीं है कैश, क्योंकि कैश का भाई कोई प्रूफ नहीं है मेरे पे कि मैं कहाँ कब मैंने इसे कैश वे, मतलब चेक अगर होता तो भाई वो प्रूफ आता, कैश का भाई कुछ प्रूफ होता नहीं। और एक और बात जो सबसे बड़ी है, जब मेरे को इसका सारा पता चला, ये सिगरेट पीते थी, तो भाई यहाँ पे एक वो है बीपीआईटी कॉलेज है, उसके सामने भाई वो बैठता पनवाड़ी वनवाड़ी करके, तो वहाँ मेरे काफ़ी दोस्त वगैरह जाते हैं। तो जब ये गई तो मेरे को वहाँ से बातें पता चली कि भाई ये गांजा वांजा पीती थी, मेरे को इतना पता नहीं गांजा चरस क्या ये चीज़ें होती हैं, तब मेरे को वहाँ से पता चली थी अभी वो गांजा वांजा पीती है। साबा डेरी कई करके कुछ बताई है जगह, वहाँ से ये जाती थी, इसका कोई पेडलर वेडलर था, वहाँ से उठा के ड्रग्स करती थी यहाँ पे, चरस वरस की चरस गांजा भाई पता नहीं क्या यू पीती थी यहाँ पे। और ये तो वहाँ जाके भाई जब वहाँ पे लड़के खड़े होंगे उसकी फोटो दिखाओगे वो भी बता देंगे कि यहाँ पे पीती थी या ना पीती थी। ठीक भाई बस इतनी सी बात है, बाकी मेरे को पता है कि जो ये मैं स्टेप ले रहा हूँ ये भाई काफी गलत है, तो भाई बस भगवान आखिरी इच्छा भाई बस यही है कि भाई मेरे को इंसाफ मिल जाए, सुशांत भाई को तो मिल ना पाया। मेरे को पता है क्या, जो लड़के होते हैं ना भाई उन्हें आज तक भाई जस्टिस नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता, क्योंकि लड़कियां रो देती हैं वो कर देती हैं, तो भाई कोई इतना फिर सबके दिल पिघल जाते हैं। लड़कों का क्या है भाई, लड़के भाई रोते नहीं है, यही सिखाया भाई, लड़के भाई किसी के सामने रोते हैं। अब भाई मेरे जितने दोस्त हैं ना वो अभी वो भाई दुविधा में हो जाएंगे कि भाई ये इसके साथ हो क्या रहा था, क्योंकि भाई 1% मैंने किसी को लगने नहीं दिया था कि मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो भाई यही दिक्कत है बस, और कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा वीडियो के लास्ट में कि भाई जैसे जो रफ्तार भाई हैं मैं उन्हें थोड़ा फॉलो भी करता हूँ, उनकी काफ़ी वीडियो वगैरह भी देखी हैं, तो वो भाई लड़कियों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, अच्छी बात है भाई करनी भी चाहिए, लेकिन एक ही चीज़ कहूँगा कि भाई रिस्पेक्ट उसकी करो जो भाई डिजर्व करता हो, चाहे वो फिर वो लड़का हो या लड़की हो, इक्वालिटी रिस्पेक्ट में पूरी दो, क्योंकि अगर तुम लड़के को भाई रिस्पेक्ट नहीं दोगे ना लड़की को दोगे उसे सर पे चढ़ा दोगे, तो सर पे चढ़ के भाई आदमी मूतता, ये भाई फैक्ट है। बाकी भाई जयराम जी की बस इतना ही था भाई अपना साथ, वीडियो का फिल्म भी हो गई आधे घंटे की, चलो सब मैंने बता दिया, भाई आप पे है आप क्या करते हो क्या नहीं करते। रोम रोम जय बाबा मोहन राम की। तो इस वीडियो को अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करना मत भूलिए। और हाँ, देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम अलग अलग खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।